तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉक यार्ड ब्लॉग देख रहे हैं और एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। तो आज मैं आपको कुछ सरसरी चीज़ों का बताता हूँ, जितने जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त यहाँ पर हैं तो उनका बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो प्रोजेक्ट एफएक्स है वो कंप्लीट हो गया डेंटिंग से। गाड़ी हमने इधर से निकाल दी है बाहर फ़िलहाल, क्योंकि वर्कशॉप में कुछ काम चल रहा है। तो उस पर ज़रा तसल्ली से बैठ के, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आपने ज़िक्र किया था बैग कमानी सिस्टम ख़त्म करने का, तो यार मेरा प्लान असल में जो है ना ये है कि इसमें जो है ना अल्टो VXR का हमने हिस्सा डालना है। हिस्सा मीन्स के इसके जो हब्स हैं, पीछे जो इसकी ट्यूब है वो चेंज होगी, क्योंकि पीछे का जब हब लगेगा तो पीछे की ऑब्वियसली ट्यूब चेंज होगी। तो अब इरादा मेरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि पीछे की ट्यूब हम चेंज करते हैं तो साथ अगर कमानी सिस्टम ख़त्म करते हैं और उसमें स्प्रिंग आ जाते हैं VXR के, और पीछे जो डंडे के शॉक्स जो होते हैं वो एज़ यूजुअल FX में भी वही लगे होते हैं और VXR में भी, तो वो लग जाएंगे। फ्रंट पर इसके हब चेंज हो जाएंगे, शॉक्स हम इसमें कॉयलओवर्स इंस्टॉल करेंगे, दैन जो चिमटे हैं, ठीक है, चिमटे हमने मेरे जो मैकेनिक हैं उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया, क्योंकि इसमें हम जो इंजन डाल रहे हैं वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसके लिए फिर जो आते हैं मार्केट में कोई देगी चिमटों के नाम से हैं कुछ चिमटे, तो उन्होंने वो रिकमेंड किए हैं। तो देखते हैं, सर्च करेंगे वो, अगर हमें वो मिलते हैं नहीं तो फिर अल्टो VXR के जो चिमटे हैं तो वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में और फिर आपको महरान जो है वो तकरीबन आप कह लें हमने उसमें इंजन इंस्टॉल कर दिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंजन हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया और कहाँ तक गाड़ी पहुँची है। इसके अलावा शराड है, इसके अलावा FX जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे इस वक्त चल रहा है काम शराड का, ठीक है। इसके जो डोर्स हैं वो उसकी हम डेंटिंग कर रहे हैं, उसमें ये असल में प्लान ये था कि इसके पूरे पैनल जो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जेन्युइन है, ठीक है, पहले इसमें कभी चेंज नहीं हुए, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम इन्हीं जेन्युइन जो हैं उनको सेट करें और इंशाल्लाह ये उससे काफ़ी बेहतर आ जाएंगे। तो इसी में अभी लगे हुए हैं, नीचे आप देख रहे होंगे ये हमने पीस डालना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी ये इसमें और भी आगे तक जाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर भी देखेंगे कि जहाँ पे हमें ज़रूरत हुई तो ज़रूरत के मुताबिक हमें इसमें काम कर रहे हैं। देन ये भी लेफ्ट साइड का डोर है, राइट साइड का डोर हम करेंगे, ठीक है, और अंदर से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बाहर से ये तकरीबन आप कहने के कंप्लीट है, डिगी बॉनेट छत ये सारी चीज़ें जो फेंडर्स हैं वो, तो बस इंशाल्लाह ये हो जाए और उसके बाद इंजन बे जो है ना उसका कुछ काम शाम है इंशाल्लाह, तो ये भी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इसको रेडी करना है। बाकी अंदर कुछ छोटी मोटी और चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, तो वो भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी महरान पर, तो आप देख रहे होंगे इधर लाइटें फिट हो गई हैं, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप पकड़ रही है। पहले जब गाड़ी इस हाल में होती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेंट हो जाती हैं, चीज़ें लगना स्टार्ट हो जाती हैं तो शेप पकड़ना स्टार्ट कर देती है। पीछे तो हमने लाइटें इंस्टॉल की हुई हैं, बम्पर इंस्टॉल किया हुआ है, फ्रंट पे हमने बम्पर लगा दिया है, इसकी जो पट्टियाँ छटियाँ थी वो लगा दी हैं। इंजन पर मैं आता हूँ, अब आप में से काफ़ी सारे हजरात हैं जो कहते हैं कि यार आप लोग किस तरीके से इंजन इंस्टॉल करते हैं जेन्युइन फाउंडेशन पर, तो आप देख रहे होंगे महरान का अपना एक फाउंडेशन होता है, यहाँ पर एक पीछे होता है और एक लेफ्ट साइड पर जो गियर का होता है, ठीक है, तो तकरीबन सारे के सारे हमने अपने अपने फाउंडेशन पर उसको हमने सेट किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वैसे जन्म जो आता है यहाँ पे एक फाउंडेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। लेवल आप देख रहे होंगे इसका, यहाँ पे भी जो रेडिएटर है वो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, देन फ्रंट के बम्पर्स वगैरह। अब इंजन इंस्टॉल हो गया, इसकी वायरिंग जो है ना वो हमने करनी है, वायरिंग हो जाए, बैटरी लग जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फ्यूल टैंक लगाना बाकी है वो लग जाएगा, और इंशाल्लाह जब ये हो जाए तो उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर पर हम आएंगे, इंटीरियर को कंप्लीट सेट करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी इसकी जो फिनिशिंग टचेस हैं वो देनी है, और इसके अलावा पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, सर्वो ब्रेक सिस्टम, ये तीन चीज़ें इसमें इंस्टॉल होनी बाकी हैं, इसी का काम बाकी है। तो ये कुछ चीज़ें ये होने वाली हैं। सस्पेंशन गाड़ी का हो गया, फ्रंट का हमने कम्प्लीट कर लिया था, बैक में हम इसको खोलते हैं देखते हैं, ये भी छोटी मोटी जो और
चीज़ें होंगी वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा ये एक सार है इसका फ्यूल पंप का मसला था तो वो बदल रहे हैं। अब मैं आपको ना ये चीज़ें दिखा के एंड में आपको बताता हूँ कि गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही ना एकदम से बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही तो उसमें तीन रीजंस होती हैं, वो तीनों रीजंस मैं आपको एंड में बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा वीगो है, उसका इंजन ओवरऑलिंग का कुछ काम था, मैकेनिकल कुछ काम था तो वो हो रहा था, और उसके बाद में आपको जो हमारी शहज़ादी है उसके बारे में बताता हूँ वो किधर गई, वर्कशॉप में आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वो हमने जी ये इधर खड़ी है, ठीक है, बम्पर आप देख रहे होंगे पीछे से, बम्पर आप देख रहे होंगे पीछे वाला, और माशाल्लाह काफ़ी फिनिशिंग में आया। आप मुझे बताएं, रेट करें कि पीछे का बम्पर कैसा लग रहा है, और इसमें अभी लाइटें लगेंगी बम्पर, इसको हम क्रोम कर देंगे इंशाल्लाह। मेरा प्लान ये है कि इसको ऊपर जो पैनल्स हैं ये, ठीक है, ये हो गए, और डोर हैंडल्स जो हैं वो तो ऑलरेडी क्रोम हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें क्रोम हो जाएंगी, फ्रंट बम्पर जो है वो क्रोम हो जाएगा। कलर जो है ना हमने देना है इसको इंशाल्लाह जो क्रिस्टल रेड है, या फिर जो आप कह लें कि थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी रेड कलर, ठीक है, वो देना है इसको इंशाल्लाह। जो रोल केज है इसको डीप ब्लू कलर, ठीक है। थीम जो हमने रखा है वो है वो ब्लैक विद कंट्रास्ट रेड। इंटीरियर सारा इसके जो डोर ट्रिम्स होंगे, डोर ट्रिम्स एक मेन पूरा जो दरवाज़ों टू डोर जो हैं दरवाजे उन पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे जो है यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे, और ये जो जगह है ये कवर करेंगे, ठीक है। देन मेरा प्लान ये है कि इसको इंशाल्लाह कंप्लीट यहाँ पर हम कारपेटिंग करेंगे, ठीक है, कार्डबोर्ड लगा के बेहतरीन सा साउंड सिस्टम का यहाँ पे मैंने सोचा हुआ है ये करेंगे, और ये इंशाल्लाह कंप्लीट बंद हो जाएगा, ठीक है। बैटरी का हो सकता है मैं बैक साइड पर यहाँ पर करूँ, या फिर वो जो लेफ्ट साइड फ्रंट जो जगह है वहाँ पर हम बैटरी का सारा निज़ाम बनाएं, ठीक है। डैशबोर्ड जो है इसका मेरे पास जो है वो पाकिस्तानी पड़ा हुआ है ब्लैक कलर में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे जैपनीज कहीं से मिल जाए तो वो मैं इसमें इंस्टॉल कर दूँ। फ्रंट के बम्पर पे आते हैं, ये थोड़ा सा उखा लग रहा है लेकिन इसमें काम होने वाला है, चीज़ें थोड़ी छोटी मोटी सेट होंगी, और नीचे भी मैं हो सकता है इसको थोड़ा बहुत और इसमें काम करूँगा। यहाँ पे एक जो बॉडी किट्स वगैरह हैं, अगर इन केस टायर्स लगने के बाद हमें लगा कि बॉडी किट लगानी चाहिए तो वो हम लगाएंगे। तो ये सारा निज़ाम है, आगे आप देख रहे होंगे तीन प्रोजेक्ट्स वो हैं जिसमें हम कर चुके हैं, इंजन डाल चुके हैं, वो पीछे भी एक गाड़ी है जिसमें हम इंजन डाल चुके हैं, एक बीच में शराड खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियाँ, ठीक है। ये इसकी आपने पिछले दिनों एक टेस्ट ड्राइव देखी, ये एक प्रोजेक्ट था हमारे पास आया हुआ था लाहौर से, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं उनका, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट किया है, और इसमें अभी कुछ चीज़ें और करने वाली हैं तो वो करेंगे साथ साथ। ये शराड है इंशाल्लाह, जो शराड अंदर खड़ी है उसका काम कम्प्लीट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह इसकी बारी है, तो इसको भी हम निपटाएंगे इंशाल्लाह। इसमें पहले किसी ने काम किया हुआ यार, लेकिन ये आप देख रहे होंगे दरवाजे खुलते नहीं हैं, किसी ने इसमें एग्जी हो के जो लगाए हुए हैं हैंडल्स, और लेकिन काम उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं इस गाड़ी की, अंदर से आप देख रहे होंगे गाड़ी अच्छी है, अच्छी हालत में, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा हमें देखना है आगे से भी, आप देख रहे होंगे ये सारा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इनको फिर बनाना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है, टाइम इस पर बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये आप देख रहे होंगे अंदर चीज़ें, इनको सेट करना स्पेशली जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम आप देख रहे होंगे यार, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह की गाड़ियों को फिर फिनिशिंग में लेकर आना तो वो उस पर लाजमी बात है, टाइम लगता है। अच्छा जी, आ जाते हैं आल्टो VXR K10A, इसमें इंस्टॉल्ड है, इसकी हमने इस पेंट कर दिया था रमज़ान में ही, ठीक है, अभी इसमें छोटा मोटा और कुछ काम है बाकी है तो वो कर रहे हैं साथ साथ, उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होने वाली हैं बम्पर लाइटों की, आगे पीछे इन चीज़ों की, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैं आपको अंदर से भी गाड़ी दिखाता हूँ, ये बैक साइड से इसकी लुक है, अभी इसकी कंपाउंड पॉलिशिंग रहती है, हमने सिर्फ पेंट कर दिया था तो इसको कंपाउंड पॉलिशिंग भी करनी है, और ये आप देख रहे होंगे अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर के हालात हैं। बॉनेट खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमने पावर विंडोज़ भी इंस्टॉल किए हैं, पावर स्टीयरिंग भी इंस्टॉल्ड है इसमें, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह सून कंप्लीट हो जाए तो मेन चैनल पर इसको मैं कंप्लीट, इसकी जो मेकिंग है, टोटल कॉस्ट इस पर क्या आई है, और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इंस्टॉल की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल इसके ये हालात हैं, इंजन हमने इसमें K10A डाला हुआ है और बेहतरीन है। तो ये जी सारे हालात हैं।
अच्छा जी, तो ये सारी सूरत हाल है। मैंने सोचा चलें आप लोगों से आज कुछ थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो शेयर करें। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया कि यार गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती तो उसके क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि गाड़ी फ़र्ज़ करें आपने खड़ी कर दी है, या चलते चलते बंद हो गई है, या आपने रात को खड़ी की थी और सुबह फिर नहीं स्टार्ट हो रही थी। अच्छा जी, तो आपने करना ये है कि पहले जो मेन लाइन आई हुई है फ्यूल टैंक से, ठीक है, आप उसको खोलें, उसका जो नॉब होता है वो खोल दें, क्लिप लगी होती है, आप बेशक स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल दें और स्विच ऑन कर लें, ठीक है। हल्का सा स्विच ऑन करें, देखें पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फ़र्ज़ करें पेट्रोल आ रहा है तो फिर हो सकता है कि आपको कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ा हो, आप जो स्विच का फ्यूज़ है मेन वो चेक करें, उसमें कोई मसला मसाइल हो सकता है फ्यूज़ उड़ा हो। अगर वो भी नहीं हो तो फिर आपका हो सकता है कि जो प्लग को जो करंट वगैरह जो भी है प्लग्स के आप वो चेक करें, ठीक है। ये तकरीबन दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में एक आम बंदे को पता होना चाहिए कि यार अगर उसकी गाड़ी बंद होती है कहीं रोड पर। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई मीटर का जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है, वो जो उसके साथ चाबी स्विच होती है वो भी उसमें भी करंट आ रहा होता है, तो वो कहीं फिर कभी सेल्फ ही नहीं मार रही होती तो आप फ्यूज़ चेक करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी पसंद आए होंगे, हमारी वीडियो जो है वो भी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।